सेक्स के समय दर्द होना, इसके बारे में मैं बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। सेक्स के समय दर्द दोनों पार्टनर को हो सकता है, पुरुष और स्त्री को हो सकता है। कि सेक्स शुरू करने के पहले दर्द हो रहा हो, सेक्स शुरू है तब दर्द हो रहा हो, या सेक्स होने के बाद में दर्द हो रहा हो। अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2% लेडीज में ये ज़्यादातर दिखाई देता है, और दोनों पुरुष में और स्त्री में होता है, मगर ज़्यादा लेडीज में दिखाई देता है। अब ये दर्द यदि है तो इससे क्या होता है कि सेक्स अवॉइड करने की प्रवृत्ति होती है, कि दर्द हो रहा है फिर अवॉइड करो। अब सेक्स के समय दर्द क्यों होता है? एक तो क्या है कि स्त्री में जो वजाना है वहाँ इन्फ्लेमेशन हुआ है, सूजन आई हुई है, लाल हुआ है, कुछ इन्फेक्शन है, और उसके वजह से फिर दर्द हो रहा है, या कोई जख्म हुई है तो उसकी वजह से हो सकता है। या फिर कुछ लेडीज जो है उनको डर है सेक्स का, उनको डर है बच्चा होने का, उनको डर है कि सेक्स है ना माँ भयानक, कुछ तो भी है, अज्ञान है, मालूम नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि वो जो वजाइनल जो मसल्स है अराउंड, वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में क्या होता है कि इंसर्शन करना, लिंग का योनि में प्रवेश जाना कठिन हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में हो जाता है स्पाजम में, वजाइनल मसल्स जो है सराउंडिंग हो जाती है स्पाजम में, वजाइनिज्मस बोलते हैं उसको, और वो स्पाजम में गए, आकुंचन पाल उसने पा लिया है, तो फिर आगे सेक्स होता नहीं है, दर्द हो जाता है। अभी इसके ऑर्गेनिक कॉजेज, जैसा मैंने बताया कि ऑर्गेनिक कॉजेज है कि भाई दर्द हो रहा है, और दर्द सूजन की वजह से है, या जख्म की वजह से, बुखार की वजह से, या फिर कोई जख्म हुई है, या फिर टाके पड़े हैं आफ्टर डिलीवरी, उसके बाद में उस माँ जख्म है, ऐसे कुछ भी कारण हो सकते हैं। बिना कारण का वजाइनिज्मस है कि जो कॉन्ट्रैक्चर किया है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है वजाइना, और उसके वजह से सेक्स हो नहीं पा रहा है। अब दोनों भी जो कारण है वो कारण रिमूव करना जरूरी है। दोनों कारण हम रिमूव कर लेते हैं तो सेक्स ठीक होगा, अवॉइडेंस नहीं होगा, दोनों को इंटरेस्ट आएगा, और दोनों भी अच्छी तरह से सेक्स करके अपना सेक्स लाइफ अच्छा जिएंगे। थैंक यू वेरी मच।